तो अभी हम सीखने वाले हैं एयरवे एंड ब्रीदिंग, जो है हमारा स्टेप थ्री। सो एयरवे एंड ब्रीदिंग में हमें क्या करना है, पेशेंट का एयरवे खोलना है। हम पेशेंट का एयरवे क्यों खोलते हैं, एयरवे यानी कि श्वास की नली। हमें पेशेंट का एयरवे क्यों खोलना है, क्योंकि जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो मसल्स, गले के नेक के मसल्स रिलैक्स होने की वजह से टंग फॉल हो जाता है, और टंग फॉल होने की वजह से वो पर्सन ब्रीद नहीं कर पाता। एंड अगर टंग फॉल है एंड अगर आप उस पेशेंट को इसी पोजिशन में ब्रीथ देने जाओगे तो वो ब्रीथ उसके लंग्स तक नहीं पहुंचेगी। इसके लिए कभी भी ब्रीथ देने के पहले हम पेशेंट का एयरवे खोलेंगे। एयरवे खोलने के लिए एक टेक्निक होती है जिसका नाम है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, यानी हेड को पीछे करो एंड चिन को ऊपर उठाओ। चिन डजंट मीन कि ये मसल्स ऑफ द नेक, चिन यानी जस्ट द बोनी पार्ट। तो उसे उठाने के लिए पोजिशन होता है कुछ ऐसे, हेड पे हाथ रखना है एंड देन थंब चिन पे, एंड जो बाकी के फिंगर्स है उसे उस बोनी पार्ट से कवर करके हमें पेशेंट का सर ऊपर करना है। जब हमने ये पोजीशन दी पेशेंट को ब्रीथ देने के लिए, उससे क्या होगा कि जो हमारा एयरवे होता है या फिर जो हमारा ब्रोंकस होता है, जिसको हम बोलते हैं श्वास की नली, वो एक लाइन में आ जाएगी, और जो टंग जो ब्लॉक हो रहा था या जो फॉल हो रहा था वो अभी ऊपर आ जाएगा जब ये पोजीशन हम देंगे तो। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ब्रीथ कैसे देते हैं। सो ब्रीथ करने के लिए एयरवे ओपन करना हेड टिल चिन लिफ्ट से। सो अभी ब्रीथ देने के लिए हम यूज करेंगे पॉकेट मास्क। सो जैसे आप देख सकते हो, ये पॉकेट मास्क का जो ये ऊपर का पार्ट है ये नैरो है, तो ये नोज ब्रिज पे आ जाएगा, नोज पे आएगा। प्लस ये जो फ्लैट पार्ट है या ब्रॉड पार्ट, ये आएगा चिन पे। हमें मेक श्योर करना है कि ये चिन के बिलो ना जाए एंड ये मास्क जो है प्रॉपरली फेस पे सील हो, क्योंकि अगर ये चिन के नीचे गया तो पॉसिबिलिटी होगी कि जो एयर हम ब्लो करेंगे लंग्स में पहुंचाने के लिए वो लीक हो। सो हमें इसको प्रॉपर सील कैसे करना है और हेड टिल चिन लिफ्ट कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले मास्क को प्लेस करना है पेशेंट के फेस पे। उसके बाद अभी हमें हेड टिल चिन लिफ्ट टेक्निक के साथ साथ उसको सील भी देना है प्रॉपर अलोंग विथ ब्रीदिंग। सो सबसे पहले हम हेड टिल चिन लिफ्ट के लिए हाथ यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद अल्फाबेट सी मास्क के ऊपर के पार्ट पे बना के उसके इस पार्ट को सील करना है। तो मेरा मास्क का जो ऊपर का पार्ट है ये सील हो गया। अभी मुझे मास्क का बाकी का पार्ट भी सील करते हुए हेड टिल चिन लिफ्ट टेक्निक कंटिन्यू रखना है। तो थंब को नीचे रखते हुए बाकी के फिंगर्स को दबाना है, तो इससे ये मास्क अभी पूरी तरह से सील हो गया। अभी ये सील मेंटेन रखते हुए पेशेंट का नेक या हेड टिल्ट करके चिन को मैंने लिफ्ट कर दिया। अभी मैं ब्रीथ देने के लिए रेडी हूं। हमें पेशेंट्स को दो ब्रीथ देना है। हम इसमें दो ब्रीथ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जैसे हम एक मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन करते हैं, क्योंकि पेशेंट का हार्ट 60 to 100 टाइम्स बीट करता है, वैसे ही पेशेंट एक मिनट में 12 से 20 बार ब्रीथ करता है। तो आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशन दो ब्रीथ देंगे तो वो साइकिल हो जाएगा, तो 1 मिनट में अराउंड 10 to 12 ब्रीथ पेशेंट को जाएगा। सो आई गिव टू ब्रीथ टू द पेशेंट्स। सो एक ब्रीथ 1 सेकंड पे देना है, और ब्रीथ देते वक्त हमें पेशेंट का चेस्ट देखना है कि चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं। तो व्हेन आई एम गिविंग द ब्रेथ द चेस्ट शुड राइज, सो आई विल शो इट अगेन। ओके, थैंक यू।